something for us. Even Maria, think about that, yeah? After your son, and then father's son, your son, and your son, that one. All right, we'll cover that. मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात रखना चाहता हूँ, बहुत से प्रयास करके बहुत से हकीमों को सुनी, लेकिन उनके पास कभी भी ये इंसान के ऊपर एक हिस्स होती है, इसके ऊपर बात नहीं सुनी है। यह हवासे हमसादारी ये तो इंसान को बड़ी जल्दी समय के अंदर आ जाती है, और जो हवासे हमसा बादली हैं इसके ऊपर कहीं गुफ्तगू होते मैंने नहीं सुना। ये बहुत अच्छे अच्छे हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े समझने वाले हैं, जिनको इसकी इतराफ भी है, शौक भी है, लेकिन कहीं सुना नहीं। तो आज मैंने सोचा, कोशिश भी की, ये बात मुझे बहुत लगती थी कि ये इस तरह इस बात को मैं किसी तरह समझ लूँ। ये हवासे हमसा जो बात नहीं है ये कैसे अमल करती है, ये भी कुवत है। हमारे क्रिया के अंदर आप जब कवा के अंदर जाएंगे तो जहाँ कुवत हवानी होती है और कुवत तबई होती है तो उसके अफसान हैं, इसी तरह ये कुवत नफसानी है। इसके अंदर इदराक करने वाली कुवत भी है और तहरीक देने वाली कुवत भी होती है। ये इदराक करने वाली कुवत जो है उसका ताल्लुक इन हवास के साथ है। ये हवास हमसा ज़ाहिरी हैं और बातनी हैं। हवास हमसा ज़ाहिरी ये कुवत बासरा आंखों से हम जिसको जिससे देखते हैं ये है, और कुवत सामिया कानों से हम सुनते हैं, कुवत शामिया जिससे हम सूंघते हैं, और जायका जुज़बान से हम सूंघते हैं, और कुवत लामसा जो हम महसूस करते हैं जिसम के साथ। ये पांच कुवतें हैं। नज़र देखती है किसी चीज़ की शक्ल बनाती है, और कान जो हैं वो आवाज़ को सुनते हैं, उसका बारी होना उसका बरीक होना उसका फर्क करते हैं। फिर हमें गधे की आवाज़ के अंदर भी फर्क नज़र आता है, घोड़े की आवाज़ के अंदर भी फर्क नज़र आता है, इंसान मर्द की आवाज़ के अंदर औरत की आवाज़ के अंदर, ये सारी चीज़ों के अंदर हमें ये फर्क नज़र आते हैं। ये कौन करता है, ये हमारे कान ये सुनते हैं। जब हमारे कान के अंदर ये आवाज़ आती है तो पता चल जाता है कि ये मर्द हो रहा है या औरत हो रही है। ये सुनना हुआ और ये सूंघना, हम खुशबू को भी सूंघते हैं, खुशबू को भी सूंघते हैं, ये चीज़ें हमें ऐसे मिल जाती हैं। और उसके बाद उसका जायका चखना, कड़वी है, मीठी है, ये चीज़ें होंगी, और फिर हमने नमस के साथ महसूस कर लिया कि ये गर्म है या सर्द है। अब ये काम तो हमारे हवासे हमसा बातनी अजादी ने काट दिया काम, और इनके लिए क्या चीज़ है, ये चीज़ जब तक इनके सामने रहती है ये उतनी देर तक काम करती है। आंखें उतनी देर तक देखती हैं जब तक इनकी चीज़ सामने रहती है, कान उतनी देर तक सुनते रहते हैं जब तक इनके कानों के अंदर आवाज़ आती है, जायका उतनी देर तक महसूस रहेगा जितनी देर तक हम चख रहे हैं खा रहे हैं, खुशबू या भूख जो है उसको हम उतनी देर तक महसूस करेंगे जब तक वो हमारे पास है। नमस का भी यही है, ये हवासे हमसा जानी जो है जब चीज़ इनके पास मौजूद होती है तो फिर ये उस वक्त ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद इनका काम इतना ही है, देख लिया, सूंघ लिया, सुन लिया, महसूस कर लिया, चख लिया। अब उसके बाद ये अपना करते क्या है,
ये आपने मुआद को, आपकी मालूमात को, आपकी हिस को जो उन्होंने महसूस किया है उसको ये पहुँचा देते हैं, इससे मुश्तरे के अंदर हवासे हमसा बातनी जो है उनके अंदर पहुँचा देते हैं। और दिमाग का ये पहला पोर्शन जो है, पहला हिस्सा जो है उसके अंदर ये मालूमात जाती है और वो हिस्से मुश्तरे वो सब चीज़ों को अपने पास इकट्ठा कर देती है। किसी एक चीज़ को देख लिया हमने, हमने आंखों से उसकी शक्ल बनाई, हाथों से महसूस कर लिया, उसकी भू भी देख ली, उसकी शक्ल भी देख ली, ये सारे काम कर लिए, हिस्से मुश्तरे के अंदर वो शक्ल चली गई। अब वो चीज़ हमसे हटा दी गई, सिर्फ देख रहे हैं ऐसी है तो चीज़, एक दफ़ा हमने देख लिया, चख लिया, महसूस कर लिया, उसके बाद वो हमसे हटा दी। अब वो कहाँ चली गई? वो हिस्से मुश्तरे के अंदर गई और हिस्से मुश्तरे ने उनको लेकर सारी चीज़ों को, उन पांचों जराए को लेने के बाद उनकी उन हसीयत के साथ, शक्ल के लिहाज से भी, लम्स के लिहाज से भी, जायके के लिहाज से भी, खुशबू के लिहाज से भी, उसने महूस करके वो एक शक्ल बना के जमाना ख्याल जो है, कुव्वत ख्याल जो है इंसान के दिमाग के दूसरे हिस्से के अंदर वहाँ तक ले गई और वहाँ महूस हो गई। अब हिस्से ये हवासे हमसा जाहिर जो थे इन्होंने इसको बनाया, इसकी शक्ल बनाई, हमें दे दी, और जैसे ही दोबारा ये चीज़ हमारे सामने आती है हम गौर पेशा रहते हैं, ऐसे ही होता है ना। वो क्यों पेशाते हैं? वो हिस्से मुश्तरक ने वो जो मालूमात दी थी वो मालूमात उसने ज़माना ख्याल के अंदर दे दी, और ज़माना ख्याल